हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू सरोज मुस्कान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मुस्कान और मुकुल स्कूल चले गए हैं, गोलू अभी सो रहा है। गोलू जाएगा 11:30 बजे सेंटर। और मैंने ना फ्रिज से सामान निकाला, ये खाली बोतलें भी निकाली है और आलू निकाले, टमाटर निकाले, ये दो डब्बे थे ये निकाले हैं, और ये लस्सी निकाली है जो कल की थी। तो ताज़ा लस्सी लाकर ना आज बनाऊँगी मैं पालक का रायता और आलू की सब्जी। और गाइज ये कल जो पेठक मिठाई मंगाई थी मुस्कान के लिए, मुस्कान का फास्ट था, मेरा फास्ट था। तो आजकल के मौसम की वजह से इन्हें चिपचिप हो रही है, हम किसी ने नहीं खाई। तो आज देखते धूप निकलेगी ना तो मैं इसको थोड़ी धूप में रखूँगी। तो गाइज पालक और आलू मेरे कट के रेडी हो गए हैं, ये देखो अभी इनको धो के ना पालक को उबाल दूंगी और आलू के वैसे सब्जी बनाऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी पालक का रायता, मैंने पहले भी बताया आपको। ये फटाफट से ना मैं एक बार इनको धो के उबालना रख देती हूँ। तो गाइज मैंने रसोई का काम कम्प्लीट कर दिया है, बर्तन भी कर दिया है, सब्जी भी बन गई, रायता भी बन गया, सिर्फ रह गया रसोई का पोछा। और बाहर का तो सारा ही पड़ा है, क्योंकि बाहर तो झाड़ू भी नहीं निकले ना पोछा लगा है। और मेरी पालक थी ना जो गिर गई थी नीचे, यार कुछ वो थोड़ी रह गई थी क्योंकि इसके अंदर ना कचरा भर रखा था, थोड़ी सी पालक थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है रायता और इधर है सब्जी। तो ना लस्सी तो मिले जावा हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं कहा कल गोलू पालक लेके आता, मैं दो दिन और रख दिए तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। खराब तो थी ये अंदर से, एक आधे पत्ते साफ थे, तो मैंने रायता बना दिया, मैं रोटी खा लेंगे बच्चे। और मुकुल ना दो दिन हो गए थे, कहते मम्मी आलू की सब्जी बना लो, आलू की सब्जी बना लो। तो कल भी आलू नहीं थे, परसों बारिश हो रही थी, परसों भी आलू नहीं थे, तो मैंने फटाफट से आलू की सब्जी भी बना दी। अब मैं कर लेती हूँ बाहर की सफाई। तो गाइस सारा काम कंप्लीट कर दिया है मैंने, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और इधर मैंने बैठक की सफाई भी कर दी है, बैठक लगा लो, दुकान लगा लो, और बाहर की भी सारी सफाई कम्प्लीट हो गई है। और वो लो अभी सो रहा है और मैं नहा कर जाऊंगी मंदिर। और आज आपके मैंने दो तीन कॉमेंट रीड किए थे, कॉमेंट आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कॉमेंट आए हैं। आप सभी ने मुकुल को भी चीज दी है, तो आपका दिल से थैंक यू है। और एक कमेंट आया हुआ था, क्योंकि कल परसों ना मेरी गोलू की ना छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। गोलू ने बोला मम्मी सुबह जाना चाहिए मंदिर में, 4 बजे भगवान को उठाना चाहिए। तो किसी ने कमेंट कर रखा गोलू ने सही बोला, तो दीदी उसके लिए थैंक यू, गोलू ने भी सही बोला। अरे फिर एक मेरी सपोर्ट में भी कॉमेंट आया हुआ है, भाई देखो मन में श्रद्धा और प्यार होना चाहिए भगवान के प्रति, तो जब मन करे जब आप मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि एक वही घर ऐसा है जहाँ पे अब हम जाके अपने मन की बात बता सकते हैं। क्योंकि तो आजकल दुनियादारी तो ऐसी है, किसी कोई रो कर पूछ लेता है, हंस के उड़ा देता है। तो एक बात ना बंदे ने दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लेनी चाहिए, अपना दुख सुख किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो। तो मैं यही कहती हूँ, बस मैं फटाफट से ना आकर ना मंदिर में जाती हूँ। मौसम देख लो फिर से बिगड़ गया है, बारिश का मौसम हो गया है, यहाँ से फिर से गिल्ला गिल्ला हो जाएगा बड़ी मुश्किल से। पंखे लगा लगा सुखाए, देख लो फराटा वहाँ लगा रखा है, ये भी सुखाया कूलर के साथ, और अंदर भी पंखे लगा लगा कर सुखाया है। और बारिश आ गई तो उल्टी ये फिर गई किचपिच किचपिच हो जाएगी। बस मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती बना ली।